शहर के मध्य में स्थित हनुमान ताल तालाब दुर्दृश्य का शिकार हो चुका है। नगर निगम ने इस तालाब में सौंदर्यीकरण के लिए कई योजनाएं बनाई और लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। रख रखाव और अनदेखी के अभाव से इस तालाब में काई और गंदगी का साम्राज्य स्थानीय बना हुआ है और लोग भी इसमें गंदगी फैलाते रहते हैं, जिसकी वजह से तालाब का पानी सड़ंध मारने लगा है। जानकार बताते हैं कि हनुमान ताल तालाब का निर्माण अंग्रेजों के समय करवाया गया था। इस तालाब में एक गुप्त दरवाजा भी है जो स्थानीय नाले के पास खुलता है। इस दरवाजे को अगर समय समय पर खोल दिया जाए तो उस तालाब की गंदगी और पानी निकाला जा सकता है। बरसाती पानी तालाब में भर जाता है। ओवरफ्लो होने वाले हनुमान ताल तालाब का पानी पूरे इलाके में जल प्लावन की वजह बन जाता है। इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन को हनुमान ताल तालाब की सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस तालाब की टंकी की वजह से इलाके में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी पैर पसार रही है। क्या दिक्कत सामना करना पड़ा होता है? बारिश के कारण भी हनुमान ताल में काफी लबाला भर चुका है, जिसके कारण गंदगी के चारों तरफ फैल चुकी है और नगर निगम प्रशासन को बिल्कुल होश में नहीं आ रही है कि इसकी सफाई कराई जाए। और गंदगी के कारण मच्छरों का भारी प्रकोप, इससे डेंगू जैसी बीमारियां आप देख रहे हैं कि फैल रही हैं। और मैं शासन से ये अपील करना चाहूँगा नगर निगम से कि इसकी जल्द से सफाई करवा के और डेंगू से खतरे से बचाया जा सके। अभी क्या समस्याएं देख रही हैं आप? काफ़ी गंदगी है चारों तरफ, आप खुद देख रहे हुए हैं। सफाई में जबलपुर का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही नगर निगम, सबसे पीछे चल रही है सफाई के मामले में नगर निगम। अमित शर्मा, युवा समाज से भी। अरे आगे चाचा बताएं क्या दिक्कत है जी। हनुमान ताल में बारिश के कारण पूरा पानी लबालब हो चुका है, जिससे कचरा शायद में पूरा पड़ा हुआ है। नगर प्रशासन इसमें कुछ ध्यान नहीं दे रहा है और जिससे डेंगू मलेरिया टाइप की बीमारियां होती हैं, आस पास के लोगों को बहुत तकलीफें जाती हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जल्द से जल्द नगर प्रशासन इसमें सफाई कराए, इसकी पानी नहीं साफ कराए। नाम बताएं। निज़ाम खान। क्या करना चाहिए नगर निगम को लेकर? आप देख रहे हैं हनुमान ताल तारा जो हमारे शहर के बीचों बीच में तालाब है, उस तालाब को बड़ा खूबसूरत बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन हर लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अक्सर हमें देखते हैं उस तालाब में इतनी ज़्यादा गंदगियाँ हो जाती हैं कि वहाँ से लोग निकलते हैं तो पानी बांस मारने लगता है। हकीकत में ये है कि वहाँ के जो लोग हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो लोग पानी को खुद प्रदूषण करते हैं, खुद ख़राब करते हैं। तालाब के किनारे किनारे देखो आप कितनी गंदगियाँ मची हुई है, कितना कचरा पड़ा है। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, इस बारिश में आप देखिए कि तालाब जो है लबालब होता जा रहा है। नगर निगम को चाहिए कि जो पुराने जो अंग्रेजों के ज़माने का यहाँ पे एक नाला बना है जिसमें एक दरवाज़ा लगा है, उसको समय समय में अगर दरवाज़ा वो खोलते रहें तो वो पानी तालाब का कम होता रहेगा। और जब पानी कम होता रहेगा तो जब पानी पूरा ऊपर लीवर में होता है, रोड से लोगों के घरों में जाता है, कुलिया में जाता है, तो इसको नगर निगम को विशेष ध्यान देना चाहिए। शहर है, उससे क्या होता है जिस तरीके से वहाँ आजू बाजू गंदगियाँ फैली हैं, उससे इस जो डेंगू की बीमारी फैली सब चारों तरफ ही, वो बीमारी का और ज़्यादा खतरा बढ़ गया। इनको दवाई का छिड़काव करना चाहिए किनारे किनारे, वहाँ की सारी गंदगियाँ जितनी जल्दी हो सके साफ करें। तालाब को इतना आप देखिए, भोपाल शहर चले जाइए, आप सागर शहर चले जाइए, वहाँ के तालाब को देखो क्या तालाब है, वहाँ की क्या साफ़ सफाई व्यवस्था है। पानी बिल्कुल आपको ऊपर सफ़ेद दिखेगा, यहाँ का पानी बिल्कुल काई गाई हो गया, इतना बदबू वाला पानी हो चुका है। तो नगर निगम प्रशासन से अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ की काई को निकाले, सारा कचरा निकाले और वहाँ की सफाई की व्यवस्था करे, जो डेंगू की बीमारी है उससे लोगों को निजात या दूसरी बीमारियों से बचे। मोहम्मद वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वाथरी की रिपोर्ट।